हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब इस विंटर सीज़न को फुलेस्ट में एंजॉय कर रहे होंगे। ये देखिए, ये विंटर सीज़न के लिए मैंने कुर्ती ऑर्डर किया था मिंत्रा से, जो बहुत ही अच्छा है। आप सब इसे ले सकते हैं। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप सब विंटर में इस तरह से आग तो जलाते ही होंगे, इसके लिए मैं एक टिप देती हूँ। जब दिवाली में दिए सब काले हो जाते हैं, तेल पी लेते हैं दिए, उन दियों को भी आप अगर इन आग में डाल देते हैं तो वो फिर से नए हो जाते हैं। देखिए, मैंने भी जैसे ठंड में हम आग सेकते हैं तो आग जलाए थे, और उसमें सारे दियों को एक एक दिन करके, मतलब बहुत सारे दिए, 5-6 दिए, 8-10 दिए डाल डाल के मैंने अपने सारे दियों को फिर से सफ़ेद कर लिया है। अभी इसे बस धोकर एक बार सुखाना है, फिर इसकी मैं खूबसूरत सी होम डेकोर पीसेस DIY बनाऊंगी, जो भी आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखिए, इस तरह से आग सेकते हैं, और दियों को इन आग में डाल देने से इनमें जो भी तेल सोख हुई रहती है, जो मिट्टी तेल को पी गए होते हैं दिए की मिट्टियाँ, वो सारे तेल जल जाते हैं और दिए फिर से नए हो जाते हैं और इस तरह से सफ़ेद हो जाते हैं। इनकी DIYs बहुत ही अच्छी अच्छी बनती हैं, जो हम दिवाली में डेकोरेट करते हैं उसका DIY बनाने के बाद मैं ज़रूर आप सबसे शेयर करूंगी। मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ DIY बनाना, और बीच बीच में बनाती भी रहती हूँ। मैं ज़रूर ही आप सबके साथ बहुत ही अच्छी अच्छी DIYs शेयर करूंगी। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ये सारे दिए हैं जिन्हें मैंने फिर से नया कर लिया है। अब इसे बस एक बार धोकर धूप में सुखाना है, और फिर मेरे सारे दिए DIY के लिए रेडी हो जाएंगे। ये देखिए, ये है मेरा टेरेस गार्डन, जहाँ खूब सारी बोगनवेलिया की बड़ी बड़ी पेड़ और झाड़ियाँ हैं, जिनमें कुछ में अंगूर भी लगे हुए हैं। बीच बीच में दोनों मिक्सअप हो गया है, और ये इस तरह से लुक आया है जो बहुत ही अच्छा रहता है, सुकून देने वाला होता है। ये देखिए, ये रोज़ खिला हुआ है। मैं रोज़ को अपने पास रख के उसे देखती रहती हूँ, और इसे देखने में काफ़ी सुकून मिलता है। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने में ही बहुत सुकून मिलता है, इसलिए लोग आजकल आउट ऑफ टाउन और आउट ऑफ सिटीज़ जा रहे हैं अपनी हॉलीडेज़ को एंजॉय करने के लिए। ये देखिए, ये पूरे बोगनवेलिया के फ्लावर्स हैं। इसमें मेंटेनेंस भी बहुत ही कम लगता है, और ये दिखने में भी बहुत ही प्यारा होता है। ये देखिए, इस तरह से मैंने लोकेशन सेटअप किया है, एक कॉलिन बिछा के, उसमें पिलोज़ वगैरह रख के, और अपनी फेवरेट बुक्स, कॉफ़ी जिसे मैंने पी लिया है, इस कप में कॉफ़ी थी, और अपनी फेवरेट बुक्स पढ़ते पढ़ते मैं यहाँ खूब सारे टाइम स्पेंड करती हूँ, जो काफ़ी अच्छी वाली फीलिंग देता है। अगला देखिए, ये बहुत ही प्यारा खिलौना है, जो बचपन की याद है। इससे शायद मेरी मासी ने बनाया है अपने हाथों से और मुझे दिया था। ये छोटा सा जो बांस होता है, बांस की जो टोकरियाँ आती है, उसी से ये बना हुआ है, और बहुत ही प्यारा सा घर है। मैंने सोचा ये हर जगह नहीं मिलता, तो आप सबके साथ शेयर करूँ। ये गुड्डे गुड़िया को मैंने इससे ऐसे ही डेकोरेट कर दिया है, इसे कहीं और से लाया था। ये देखिए, ये इस तरह से निकल जाता है, और ब्रश से साफ़ करके इसे फिर से ऐसे लगा देती हूँ, और ये डेकोरेटेड पीस बहुत ही प्यारा लगता है। इसे देखने से कोई भी बच्चा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा। बचपन में खुशियों की कीमत काफ़ी सस्ती होती है। इस तरह के खिलौने से बच्चों को कितनी सारी खुशियाँ मिल जाती है, जो शायद बड़े होने के बाद बड़ी बड़ी चीज़ों से भी मन की शांति और खुशी दोनों ही कई लोगों को नसीब नहीं होती। वो सब हर इंसान के सोच पे डिपेंड करता है, और हमें अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद ही लेनी चाहिए। खुशियों का जो रिमोट कंट्रोल है, वो हमेशा खुद के पास रखनी चाहिए, किसी चीज़ या किसी इंसान से उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। खुशियाँ कभी भी किसी सिचुएशन, किसी इंसान या फिर किसी रिज़ल्ट पे डिपेंड ना करें। कई लोग एक कागज़ का टुकड़ा ही तो होता है रिज़ल्ट, उससे अपनी खुशियाँ, अपना पूरा ही इमोशन जोड़ लेते हैं। कई माँ बाप अपने बच्चों से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, और एक कागज़ के टुकड़े से अपना पूरा इमोशन जोड़ लेना, ये बहुत ही गलत है। बच्चे को पूरा फ्रीडम देना चाहिए, और जैसा सक्सेस को एक्सेप्ट करते हैं, वही सेम इमोशन से फेलियर को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसे भी वैसे ही एक मोटिवेशन की तरह लेना चाहिए। क्योंकि फेलियर के बाद सक्सेस, सक्सेस के बाद फिर किसी काम में फेलियर, फिर किसी काम के बाद सक्सेस, यही तो ज़िंदगी है आई थिंक। और सक्सेस और फेलियर दोनों को ही सेम इमोशन, सेम फीलिंग और
सेम पॉजिटिव नज़रिए से एक्सेप्ट करना चाहिए। जितना खुश आप सक्सेस में होते हैं, उतनी ही खुशी से फेलियर को भी एक्सेप्ट करिए, क्योंकि फेलियर आपको सीख देती है, सक्सेस आपको खुशी देती है, और सीख हमेशा काम आती है। तो वो सब बात को छोड़ते हैं, और आप सबको ये खिलौना, ये टॉयज़, ये डेकोर होम पीस कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसे बनाने वाले को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी होगी आई थिंक, और साथ ही इस तरह के खिलौने आप सब ने भी बचपन में खेले हैं। कुछ एंटीक पीसेस होती हैं खिलौने की, जिनसे हमारी बचपन की यादें जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट ये देखिए, ये दिनशॉस की घी का डब्बा था जिसे मैंने DIY किया है, और इसमें मैंने सिंपली लेसेस को इस तरह से लगा दिया है फेविकोल की मदद से, और पेंट कर दिया था पहले ऑरेंज कलर से, और इस तरह से लगा दिया है जो पूरी तरह एक सुंदर सी मटकी जैसे दिख रही है, और इसे मैं होम डेकोर पीस में यूज़ करूँगी। ये देखिए, ये डीमार्ट से मैंने एक सिलाई का डिब्बा, पूरा पैक है, इसे मैंने ख़रीदा, तो मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है आप लोगों के लिए। ये प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे बहुत ही वर्दी लगा और बहुत ही क्यूट लगा। इसे आप ट्रैवल में भी लेके जा सकते हैं। इसमें बहुत सारे निडल्स दिए हुए हैं हर साइज के, और ये बहुत ही हैंडी है, और साथ ही स्पेस सेविंग भी है। काफ़ी छोटा और क्यूट सा दिखने वाला है, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा, इसलिए मैंने इसे आप सबके साथ शेयर किया है। इसमें बहुत सारे नीडल्स दिए हुए हैं, जिन नीडल्स को आप हर एक धागे के साथ भी लगा के रख सकते हैं रेडी टू यूज़ के लिए, और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें 12 कलर्स के धागे दिए हुए हैं, जिनकी क्वांटिटी थोड़ी कम है, बट ठीक है, इस आई थिंक वर्दी है। और इसमें साथ में मिला है इस तरह से टेप, देखिए मैंने दिखाया है आपको, इस तरह से टेप मिला है। सुई तो बहुत सारा मिला ही है, जिसे मैं यूज़ कर चुकी थी। इस सुई में मरून कलर का धागा लगा हुआ है। इस तरह से इसका सबसे छोटा क्यूट सा एक शर्ट की साइज का फोम कट है, जो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। इसमें मिडिल को स्विच करके रख सकते हैं, और ये दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट लगा। मुझे इस पूरे बॉक्स में सबसे ज़्यादा क्यूट यही लगा, और इसे देखते ही मुझे ये बॉक्स बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, और स्पेस सेविंग भी है ये बॉक्स, इसलिए मैं इसे आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए, ये क्यूट सा छोटा सा सीज़र भी है, जो दिखने में ही सिर्फ खिलौने जैसे है, बट इसका धार बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छी क्वालिटी का भी है। मैंने इसे भी यूज़ किया है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये आप के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, अगर आप के ज़रूरत है तो ये ज़रूर ले सकते हैं आप, काफ़ी वर्थ प्राइस है। इसमें कुछ जॉइंटर्स भी दिए हुए हैं और बटन्स भी दिए हुए हैं, साथ में एक सेफ्टी पिन भी है, अगर आपको इनकी ज़रूरत है तो आप इसे लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा अच्छा चीज़ दिया हुआ है। ये तो एक रिंग जैसा है जो टेप के साथ लग के आया था, बस इतना ही है इसमें, और ये काफ़ी स्पेस सेविंग है। आप इसे ट्रैवल में भी लेके जा सकते हैं, घर में भी आप ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो ये बहुत ही कम स्पेस में अच्छी जगह पर रखा जा सकता है, और ये विजिबल भी होगा। ट्रांसपेरेंट ग्लास फाइबर लगा हुआ है इस वजह से, तो ये प्रोडक्ट तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ही यूज़फुल भी लगा, और वर्थ टू प्राइस लगा। प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा है और स्पेस सेविंग भी है। अगर आप कहीं ट्रैवल में बहुत ज़्यादा जाते हैं और आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो इस ट्रिप को ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत ही टाइम सेविंग है। आप ज़्यादा निडल रख के हर कलर के धागे में एक एक निडल फंसा के रखें, मतलब धागे भी फंसा के रखें, जो आपके टाइम को सेव कर देगा। और इस तरह से आप छोटू सा हैंडी वाला सुई धागे का पैक अपने साथ हमेशा रख सकते हैं, जो काफ़ी यूज़फुल होगा और आपके काम आएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसे लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और आज बनेगा ये मटर का पराठा, जिसका रेसिपी मैं बहुत ही जल्दी आप सबके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।